लेट्स स्टार्ट। सितंबर 19, ठीक है, इसका आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। व्हाट इज मेंट बाय द एक्सप्रेशन 5 डेफर्ड 17 क्यू 41 40। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है बताइए, 5 साल जिंदा रहेगा, राइट, 5 साल जिंदा रहेगा और फिर 17 साल के अंदर में द प्रोबेबिलिटी दैट टू लाइव्स एजेड 40 वन पर्टिकुलर लाइफ डाइज फर्स्ट एंड द डेथ ऑकर्स बिटवीन 5 एंड 22 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मैंने 5 साल रुक के 17 साल के अंदर ये वाला जो 40 साल का आदमी है ये पहले मरेगा, मरेगा नहीं पहले मरेगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करने बोल रहे हैं। द टू लाइव्स एज एग्जैक्टली 40 आर इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू मोर्टेलिटी एंड आर ईच सब्जेक्ट टू अ सीएफएम ऑफ 0.01 पर एनम। ठीक है, सो ये हमने पहले भी देखा है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 डेफर्ड 17 क्यू 40 40। सो दिस इज व्हाट, हाफ इंटू 5p 40 40, 1 minus 17p 45 45, ठीक है ना। एंड टीपीएक्स इज ई टू द पावर माइनस म्यू टी। अब इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन वही है, प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव रिजर्व आर इक्वल। देख रहे हैं कितना बार आ रहा है, एक सिंपल क्वेश्चन देखो कितना बार आ रहा है, ये हमने कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। एनुअल इफेक्टिव फॉरवर्ड रेट एप्लीकेबल इज गिवन, 1 2 3 0 सबका दे दिया है। जीआरवाई इशूड अ 4-year बॉन्ड रिडीमेबल एट पार। सो हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा प्राइस। सो प्राइस इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 1.04 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1.04 इंटू 1.05 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1.04 1.05 1.0 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 1.04 1.05 1.06 1.07। एक्सप्लेन बाय द GRY इन पार्ट 2। ठीक है, ये तो मेरा प्राइस आ जाएगा, फिर वो जो प्राइस आएगा उससे फिर हम लोग क्या करेंगे, 4A4 प्लस 100V to the power 4। यहां से मेरा क्या आ जाएगा, GRY। फिर बोलते हैं GRY इज लोअर देन F31, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग स्ट्रक्चर है इसका सॉल्यूशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। द फॉरवर्ड रेट्स आर इंक्रीजिंग विद टर्म, द ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड इज अ वेटेड एवरेज ऑफ दोज इंक्रीजिंग रेट्स। क्योंकि GRY मेरा क्या होता है, दिस इज अ वेटेड एवरेज। GRY जो मेरा होता है दिस इज अ वेटेड एवरेज, इट इज देयरफॉर लोअर देन द 1-year यील्ड फॉरवर्ड रेट। ठीक है ना। 7 में आइए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है इस पेपर में। तो 7 पे आओ, तो 7 में क्या बोल रहे ध्यान दो। बोलता है ऑन 1st January 2022 अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इशूड होल लाइफ इंक्रीजिंग एश्योरेंसेस टू लाइव्स देन एजेड 45। सो एक्स मेरा कितना है, होल लाइफ एश्योरेंस है, ठीक है। इनिशियल सम एश्योर्ड इज 20,000 इंक्रीजिंग बाय 2,000। बेनिफिट्स आर पेबल ईओ वाईओडी, प्रीमियम्स आर पेबल एनुअली इन एडवांस फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 20 ईयर्स।
एमपीएमएल निकालने बोल रहे हैं, ठीक है, 1 जनवरी 2018, तो गिनो तो 2 खत्म 3 खत्म 4 खत्म 5 6 7, तो 6 6 16 17वां साल का बात कर रहा है, अगेन 17th ईयर का बात कर रहा है, बिकॉज 2018 के लिए एमपीएमएल निकालने बोल रहे हैं ना, इसीलिए। तो सबसे पहले हम लोग को प्रीमियम इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 20 साल के लिए बोल रहा है प्रीमियम है, ठीक है, सो पी एडीयू 4520, नाउ दिस इज इक्वल टू 18,000 ए 45 प्लस 2000 आई ए 45, ठीक है। फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा V17, सो V17 कैसे निकालेंगे, 17th ईयर के एंड पे रिजर्व, सो 17th ईयर के एंड पे रिजर्व निकालना है, तो सबसे पहले 18,000 प्लस 2000 इंटू 17 कितना आता है पहले ये बताओ, 52, ये मेरा आ रहा है 52, ठीक है, ये वाला जो है ये मेरा आ रहा है 52,000, तो ये 17th ईयर पे मरने से मिलता, बट V17 18th ईयर ऑनवर्ड्स होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 52 का लेवल तो इसमें ऐड करो 17 साल, तो 17 साल ऐड करने से क्या आ जाएगा, A62, क्योंकि 45 है ना, 55 और 62 आ रहा है, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, सो A62 प्लस में आएगा 2000 IA62, ठीक है, माइनस P आएगा ADU 62 3, क्योंकि 17 साल तो हो गया तो 3 साल बच रहा है, उसके बाद में 2018 में अगर मरता है, 2018 में अगर मरता है तो कितना रुपया मिलेगा, हम लोग को बेसिकली 17th ईयर का बात हो रहा है ना, तो 2018 में मरेगा तो इतना ही मिलेगा, 2018 में अगर मरेगा तो 52,000 ही मिलेगा ना, V17 मतलब क्या 2018, तो आप कर तो 2018 के ले रहे हैं, बट जब V17 बनाएंगे तो फ्यूचर ईयर्स के लिए करेंगे, मतलब 19, 20, 21 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब जैसे देखना, हम लोग को DSAR निकालना है, सो DSAR मेरा जो आएगा दिस विल बी 52,000 माइनस V17, ठीक है, सो इसके बाद में हम लोग का जो आएगा EDS आएगा, सो EDS इज 378 इंटू Q61 इंटू DSAR, ठीक है, उसके बाद में हम लोग का जो ADS आएगा, एक्चुअल में कितना लोग मरा है, 4 इंटू DSAR, ठीक है। फॉर होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी अर्ली डेथ्स लीड टू लॉसेस फॉर दी कंपनी, अ लॉस हैज अराइजन हियर एज देयर वर मोर डेथ्स देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, सिंपल पेपर सिंपल क्वेश्चन, आइए 8 में आइए, अ लोन ऑफ 10 लाख नॉमिनल इज इश्यूड विथ कूपन्स पेबल हाफ ईयरली इन अरियर्स एट अ रेट ऑफ 9% पर एनम, लोन का अमाउंट कितना दिया है, 10 लाख इज द लोन अमाउंट, कूपन्स पेबल हाफ ईयरली इन अरियर्स एट द रेट ऑफ 9%, द लोन इज टू बी रिडीम्ड एट 110, तो मेरा रिडेम्पशन का अमाउंट कितना है, 110, ठीक है, ऑन अ सिंगल कूपन डेट बिटवीन 20 एंड 25 ईयर्स, ठीक है, द डेट ऑफ रिडेम्पशन इज एट द ऑप्शन ऑफ द बोरोवर, द डेट ऑफ रिडेम्पशन इज एट द ऑप्शन ऑफ द बोरोवर, एन इन्वेस्टर हु इज लाइबल टू इनकम टैक्स एट 15% बट नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन्स टैक्स, कैलकुलेट द प्राइस द इन्वेस्टर शुड पे टू इंश्योर अ नेट इफेक्टिव यील्ड ऑफ एटलीस्ट 8%, तो कैसे करेंगे बताओ, सबसे पहले हम लोग कैपिटल गेन टेस्ट करेंगे, सो बेसिकली I2 निकालेंगे एट द रेट 8%, और हम लोग करेंगे 1 माइनस T1, T1 इज वॉट,
9/110। चेक करना है कैपिटल गेन है कि लॉस है, कैपिटल गेन है कि लॉस है चेक करो। कैपिटल गेन है कि लॉस है चेक करो, कैपिटल गेन आ रहा है तो गेन में वर्स्ट केस हम लोग का क्या हो जाएगा 25। सो 25 मान के पूरा सम को हम लोग कर देंगे। सो 25 मान के जब सम को करेंगे तो क्या आएगा 9A2 25 × 85%, करेक्ट। फिर प्लस में हम लोग क्या करेंगे 110V^25, दिस होल थिंग विल बी इवैल्यूएटेड एट द रेट 8%। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर इसके बाद में बोलता है द इन्वेस्टर परचेसेस अ लोन फॉर द प्राइस कैलकुलेटेड इन वन एग्जैक्टली 10 years लेटर इमीडिएटली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द कूपन देन ड्यू। सेकंड इन्वेस्टर हु इज लायबल टू इनकम टैक्स कैपिटल गेन टैक्स परचेसेस द लोन फॉर अ प्राइस सच दैट द फर्स्ट इन्वेस्टर ऑब्टेन्ड अ नेट सच दैट द फर्स्ट इन्वेस्टर ऑब्टेन्ड अ नेट इफेक्टिव यील्ड ऑफ एटलीस्ट 8%। द सेकंड इन्वेस्टर होल्ड्स द लोन टू मैच्योरिटी कैलकुलेट द प्राइस पेड बाय द सेकंड इन्वेस्टर द मिनिमम नेट रिडेम्पशन यील्ड अर्न बाय द सेकंड इन्वेस्टर टू द नियरेस्ट 0.1%। सो अगेन दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, सो पहले वाले के हिसाब से ही करना है, पहले वाले के हिसाब से ही करना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे ध्यान देना। बोलता है वो खरीदा था तुम्हारा 99, वो जो ऊपर में जो किए उसे कैलकुलेट करके 99.326 आएगा। सो 9A2 10, 10 साल के लिए वो रखा, 85% का टैक्स लग जाएगा और वो बेचेगा P2 पे, ये सेल प्राइस है V^10 और इससे इसको 8% का रिटर्न आया। ठीक है, 8% का रिटर्न आ गया उसको। ठीक है, सो नेट रिडेम्पशन यील्ड उसको निकालना है, नेट रिडेम्पशन यील्ड अपने को सेकंड इन्वेस्टर का निकालना है, राइट। सो देखो सेकंड इन्वेस्टर का जो P2 जो यहां से आ रहा है, P2 जो यहां से आएगा दैट विल बी 101.44, लेकिन रिडेम्पशन कितने पे होगा, रिडेम्पशन कितने पे होगा, रिडेम्पशन कितने पे होगा, 110 पे होगा रिडेम्पशन, रिडेम्पशन कितने पे होगा, 110 पे होगा, राइट। सो नेट रिडेम्पशन यील्ड इज आई वेयर रिडेम्पशन इज ग्रेटर देन प्राइस, तो कैपिटल गेन टैक्स आएगा। रिडेम्पशन यहां पर इज ग्रेटर देन प्राइस, क्या बोलता है, रिडेम्पशन इज ग्रेटर देन प्राइस, तो यहां पर मेरा क्या आएगा, टैक्स आएगा, कैपिटल गेन आएगा। तो कैपिटल गेन आएगा मतलब क्या करेंगे, वर्स्ट के सिनेरियो क्या लेंगे, वर्स्ट के सिनेरियो क्या लेंगे, 25 साल तो 10 साल हो गया तो 15 साल बचेगा, तो 15 साल मतलब प्राइस होगा 101.44। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखो, 0.75 × पूरा क्वेश्चन घुमा हुआ है, 9A15 × 110V^115 − 110 − 101.44 × 35% × V^15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि उसका रिडेम्पशन इज ग्रेटर देन प्राइस इन्वेस्टर टू का। ये जो पूरा इक्वेशन बनाए हैं ये इन्वेस्टर टू के हिसाब से बनाए हैं। ठीक है, इन्वेस्टर टू के हिसाब से बनाए हैं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। अ मैन एज एग्जैक्टली 60 परचेजेस होल लाइफ लेवल एनुइटी ऑफ 20,000 पर एनम पेबल मंथली इन अरियर्स विद पेमेंट गारंटीड फॉर द फर्स्ट 5 years। सो एनुइटी का जो अमाउंट है दैट इज 20,000, उसका एज कितना है 60। ठीक है, और यहां पर मेरे को गारंटीड है, मेरा जो पेमेंट है वो क्या है, गारंटीड है, कितने टाइम के लिए, 5 years के लिए मेरा पेमेंट गारंटीड है। इन एडिशन अ रिवर्जनरी एनुइटी ऑफ 10,000 पर एनम इज पेबल टू द मैन्स वाइफ हु इज 2 years यंगर, तो उसका एज कितना हो जाएगा, हाँ 58। द रिवर्जनरी एनुइटी कमेंसेस ऑन द मंथली पेमेंट डेट फॉलोइंग द मैन्स डेथ और ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 5 year गारंटीड पीरियड। एनुइटी इज पेबल मंथली इन अरियर्स अंटिल द वाइफ्स डेथ। ठीक है, 4% PMA PFA इनिशियल एक्सपेंसेस ऑफ 250 प्लस 10 ऑन ईच एनुइटी पेमेंट डेट। एंड एनुइटी इज वॉट, एनुइटी इज वॉट, मंथली, मंथली। ठीक है, सो अपने को 250 का एक्सपेंस बोल दिया, राइट, प्लस अब इसमें क्या करेंगे अपन, 20,000 का अपने को बोला है प्लस 10 रुपया करके 12 बार लगेगा, राइट। सो दिस होल थिंग इंटू में क्या आएगा बताओ, इंटू में आएगा पहला 5 साल गारंटीड है, सो A5 12 प्लस
v to the power 5, 5p 60, a 65, 12, राइट। इसके बाद में क्या बोलता है, 10,000 का मिलेगा, ठीक है, 10 रुपया करके 12 बार, दिस होल थिंग इनटू क्या होगा बताइए, v टू दी पावर 5, 5p 60, 58, 5 साल जिंदा रहेगा तो क्या बनेगा, a 65, 63, 12, मंथली नरियर है कि एडवांस है। एक और केस क्या बन सकता है, v टू दी पावर 5, ठीक है, 1 minus 5p 60, इसका मतलब क्या है, मेल मर गया बट फीमेल जिंदा है, 5p 58, a लेकिन 63 से मिलेगा क्योंकि पहला 5 साल तो पेमेंट क्या है, गारंटीड है, तो a 63, 12। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लो इसको, ठीक है। हाँ एक्चुअल में बता, यही सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि यही सब इसे एग्जाम में आएगा। हाँ टेन को अलग से क्यों करेंगे, एक ही तो बात हो गया ना, मैंने आपका समझो ना, 10,000 का एनुअल पेमेंट है बेसिकली, हर महीना में क्या हो रहा है, 10,000 divided by 12 plus 10, फिर ये हर महीना का है, एनुअल में काम करे इसलिए इंटू 12। क्वेश्चन नंबर टेन पे आइए, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन दे दिया है, 4 पे ब्रेक है 6 पे ब्रेक है, कैलकुलेट द अक्यूमुलेटेड अमाउंट एट टाइम 6 ऑफ अ लमसम ऑफ 10 यूनिट्स एट 0, ठीक है, सो 10 एक्सपोनेंशियल क्या करेंगे बताइए, इंटीग्रेशन 0 से 4, 0.03 प्लस 0.01t, ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल 0.07 into 2, बस हो गया। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0 ऑफ अ डेफर्ड एनुइटी सर्टेन ऑफ 5 units पर ईयर पेबल कंटिन्यूअसली फ्रॉम टाइम 4 to 10, सो डेफर्ड एनुइटी सर्टेन ऑफ 5 ईयर, सो बेसिकली इट विल बी 5a/2 delta इज इक्वल टू 7% प्लस ई टू द पावर माइनस 0.07 into 2, 5a/4 delta इज इक्वल टू 9%, हम लोग को 0 पे निकालने बोला है, सो ये पूरा इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन टाइम 4 पे जो पेमेंट है उसको 0 पे लाएंगे, 0.03 प्लस 0.01t होल इंटू dt। Determine to the nearest 0.1% the constant annual effective rate of interest earned by an investor who invests the present value calculated in part 2. क्या बोलता है? To the nearest 0.1% the constant annual effective rate of interest earned by an investor who invests the present value calculated in part 2 at time 0. हाँ तो ठीक है, so इसका जो present value आएगा, now this should be equated to 5a/6 v^4 at the rate i%, यही तो बोला है ना, चेक कर लो आराम से, बोलता है इसके बराबर का एक आई निकाल के दिखाइए, बोलता है इसके बराबर का एक आई निकाल के दिखाइए, ठीक है, देख लो इसको, 5a/6, ये लोग किया 5a/10 minus a/4, बस बात बराबर ही है, ठीक है ना, हम लोग को बोला इसका जो प्रेजेंट वैल्यू जो आएगा उसके बराबर का आई निकल के दिखाइए, एक ऐसा आई जिसके लिए आंसर मेरा सेम आएगा, 5 units ही तो बोला है, तुम ढंग से क्वेश्चन पढ़ती नहीं हो, दूसरा पार्ट में तो बोला है डेफर्ड एनुइटी सर्टेन ऑफ 5 units पर ईयर पेबल कंटिन्यूअसली। 11 पे क्या बोल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इश्यूज अ विद प्रॉफिट होल लाइफ पॉलिसी, द बेनिफिट इज पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ एंड इज इक्वल टू द बेसिक सम इंश्योर्ड प्लस एनी अटैचिंग बोनस, लेवल प्रीमियम्स आर पेबल मंथली इन एडवांस एजिंग आफ्टर 25 ईयर्स और ऑन द डेथ, सिंपल रिवर्जनरी बोनस आर एडेड एट द स्टार्ट,
सेलेक्ट मोर्टेलिटी 6%, कमीशन 25%, इनिशियल 2.5% विद सेकंड एंड सब्सिक्वेंट मंथली प्रीमियम, एक्सपेंसेस इनिशियल है 300, रिन्यूअल 75 एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.92308% पर एनम, द फर्स्ट इंक्रीज विल टेक प्लेस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ईयर. ठीक है, मैंने बोला 75 एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, क्लेम 50 इन्फ्लेटिंग, द फर्स्ट इंक्रीज विल टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. ठीक है, द बोनस इज सिंपल बोनस रेट ऑफ 1.5% ऑफ द बेसिक सम इश्योर्ड, द कंपनी इश्यूज द पॉलिसी टू लाइफ एजेड 50, बेसिक सम इश्योर्ड इज 1,50,000. सो मेरा यहां पर एक्स कितना हो जाएगा 50. ठीक है, होल लाइफ विथ प्रॉफिट पॉलिसी है, प्रीमियम पेइंग टर्म इज 25 ईयर्स, एंड इसका अपने को करना है 1.5 लाख का 1.5%, तो कितना आता बताओ, 2,250 आएगा. और अपने को बोला है सिंपल एड एट द स्टार्ट ऑफ ईच पॉलिसी ईयर बोल दिया है अपने को. ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, 25 साल के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म है, सो 12 PADU सेलेक्ट मोर्टेलिटी है, तो 50 25 साल के लिए प्रीमियम देंगे मंथली इन एडवांस बोला है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अब अपने को स्टार्ट पे बोल दिया तो पहला साल से ऐड होना चालू हो जाएगा, सो 1,50,000 A50 सेलेक्ट प्लस 1,50,000 A50 सेलेक्ट प्लस 2,250 IA50 सेलेक्ट. ठीक है, इसके बाद में कमीशन का देखो, कमीशन में अपने को बोला है 0.25 × 12 P, फिर प्लस में तुम्हारा आएगा 12 P × 0.025 × ADU 50 select 25 12 − 0.025 × P, खाली पहला वाला को छोड़ के. फिर हम लोग को बोला है एक्सपेंसेस का, ये सब तो बेसिक हो गया, अब देख लो एक्सपेंसेस ये सब का देख लो. सो बेसिकली अपने को बोला एकदम शुरू से हो रहा है, यही बोला है ना अपने को, अपने को नहीं नहीं क्या बोला ढंग से सुनो, अपने को बोलता है रिन्यूअल 75 एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, ऑब्वियसली पहला साल तो 75 होगा ना, तो बेसिकली 75 पहला साल है. ठीक है, फिर प्लस में क्या आएगा, 75 × 1.01923 08 V P 50 select, करेक्ट, ऐसे करके जाएगा. यहां पर क्या नहीं है, यहां पर क्या नहीं है, नहीं इसमें है तो, क्योंकि यहां पर तो पहला साल एडवांस में हो रहा है, तो बेसिकली अपने क्या करेंगे, दिस विल बी 75, हाँ नेट में हो जाएगा ADU 50 select at the rate 4%, बिकॉज इसका ऐसा गट्टी बनेगा. ठीक है, फिर क्लेम एक्सपेंस के लिए भी सेम बोल दिया है, क्लेम एक्सपेंस के लिए क्या बोला है, 50 इन्फ्लेटिंग है इतना, द फर्स्ट इंक्रीज विल टेक प्लेस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और अपने को एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ ही बोला है, तो बेसिकली बहुत सिंपल है, अगेन दिस विल बी 50 A 50. ठीक है, सो ये हो गया, तो यहां से मेरा प्रीमियम आ जाएगा. ठीक है, फिर इसके बाद में अपने को बोलता है फॉर द फर्स्ट 24 ईयर्स ऑफ द पॉलिसी द एक्चुअल सिंपल बोनस डिक्लेयर्ड हैव बीन एट अ रेट ऑफ 1%, सो 1500 × 24. अब अपने को ग्रॉस प्रीमियम रिजर्व निकालना है, अल्टीमेट 4% हो गया, कमीशन 2.5% ही है, रिन्यूअल 125, क्लेम 75 एंड बोनस बोला है 0.75% ऑफ द बेसिक सम इश्योर्ड. ठीक है, फ्यू स्मॉल चेंजेस आर देयर एंड दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट द रिजर्व. ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, 1,50,000 प्लस 24 × 1% इंटू 1,50,000, तो ये मेरा कितना आएगा, पहले ये देखो, ये जो है मेरा टोटल, ये मेरा आएगा 1,86,000. ठीक है, उसके बाद में फ्यूचर बेनिफिट 50 में 24 ऐड कर दो, तो बेसिकली इट विल बी 1,86,000, इट विल बी 1,86,000 A अपना आ जाएगा 74, फिर अपना प्लस A 74 आएगा, फिर अपना प्लस में क्या आएगा बताओ, प्लस में अपना आएगा 1,50,000 × 0.0075 A, सॉरी IA
IA74 बिना सेलेक्ट का आएगा ये सब, ठीक है। फिर प्रीमियम में क्या आएगा, प्रीमियम ये तो अपना आ गया बेनिफिट वाला आ गया, प्रीमियम अपना आएगा 12PADU74112, ठीक है। इसके बाद में अपना आ जाएगा कमीशन, सो कमीशन अपना आएगा ये जो पूरा है ना इसी का 0.025, ठीक है। इसके बाद में अपना आ जाएगा एक्सपेंसेस का, सो एक्सपेंसेस अपना आएगा 125 ADU 74 प्लस अपना आएगा 75A 74। जब अमाउंट बोल देता है ना तो प्रीमियम कितना भी खत्म हो चालू हो उसे फर्क नहीं पड़ता है, बट जब एज अ परसेंटेज ऑफ प्रीमियम बोलेगा तो प्रीमियम खत्म तो वो एक्सपेंस और कमीशन भी खत्म, ठीक है। बहुत सिंपल था ये, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पेपर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम बोले जब प्रीमियम बोलता है, जैसे अपने को यहां पर दो टाइप का चीज बोला था, अपने को यहां पर दो टाइप, अभी जाना मत, इसके बाद असाइनमेंट का लास्ट वाला पार्ट कराऊंगा। तो अभी देखो, जैसे अभी जैसे बोलता है ना 2.5%, ऐसे बोलता है 2% ऑफ प्रीमियम, तो प्रीमियम 25 साल ही है, प्रीमियम मान लो 25 साल ही है तो 25 साल पे खत्म, बट अगर ऐसे बोलता 120 तो ये तो जितना साल का पॉलिसी है उतना साल चलते रहेगा, यही है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।